तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये मोबाइल फोन के ऊपर, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये बैटरी के ऊपर है। आज हमारा जो टॉपिक है मोबाइल फोन के बैटरी के ऊपर है। इस बैटरी से क्या क्या फॉल्ट आते हैं, बैटरी खराब होने से मोबाइल फोन में क्या क्या कमी आती है, और ये भी हमारा बेसिक चेकिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर ही वीडियो है। कि जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको 15 से 18 वीडियो दूंगा, और 15 से 18 वीडियो के ऊपर मैं बेसिक चेकिंग के ऊपर ये मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये जितनी सारी वीडियो हैं ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए हैं, ये नए स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र, मैं आईटी इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग चेकिंग, मोबाइल फोन बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट, मोबाइल फोन रिपेयरिंग बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर दोस्तों मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो है जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा, रिपेयरिंग करने का तरीका क्या होता है, रिपेयरिंग करने का स्टेप क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर वीडियो में लेकर के आया हूँ। ये वीडियो के माध्यम से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फोन के अंदर जितने सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, मोबाइल फोन के अंदर जितने पार्ट्स लगे होते हैं, मोबाइल फोन के अंदर जितने सप्लाई लगी होती है, मोबाइल फोन के अंदर जितने सारे सर्किट्स लगे होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग चेक करना सीखते हैं। हमारा मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है, मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीजों के ऊपर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। अच्छा, इस वीडियो से आप काफी कुछ आपको हेल्प मिल रहा है। इसमें से हमारे बहुत ऐसे बच्चे जो हमको मैसेज भी कर रहे हैं कि सर मैं आपकी वीडियो के माध्यम से इन इन चीजों को इसमें चेक करना सीख गया। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये बैटरी के ऊपर है। बैटरी, सबसे पहली बात क्या होता है, बैटरी का मोबाइल फोन में क्या रोल रहता है, और बैटरी खराब होने से मोबाइल फोन में क्या प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो आज मोबाइल फोन यूजर हैं और उनके सामने अगर ऐसी बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो वो लोग भी वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं और काफी कुछ काम कर भी सकते हैं। अब सबसे पहली बात क्या है, जितने भी मोबाइल फोन आ रहे हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर इनबिल्ट बैटरी आ रही है। पहले के मोबाइल फोन ऐसा होता था कि जो बैटरी होती थी वो अलग से लगी होती थी, आप डायरेक्टली ऐसे लगा सकते हो या उस बैटरी को ऐसे इजीली खोल करके ढक्कन चेंज कर दिया जाता था। लेकिन अब मोबाइल फोन में ऐसा नहीं है, अब सभी मोबाइल फोन के अंदर इनबिल्ट बैटरियों का सिस्टम आ रहा है और ये इनबिल्ट बैटरियां ही चेंज होती। तो दोस्तों, जैसे बैटरी मोबाइल फोन का एक पार्ट है जो वोल्टेज को बैटरी मोबाइल फोन के एक पार्ट से जो वोल्टेज को स्टोर करता है, इसका काम क्या होता है, हमारे वोल्टेज को स्टोर करना। मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट की होती है। अब न्यू 5G फोन आ गए हैं, उस 5G फोन के अंदर 7.6 वोल्ट की सप्लाई बैटरी यूज हो रही है और ये डुअल बैटरी होती है। डुअल बैटरी का मतलब होता है, अगर आप बैटरी देखेंगे तो वो सिंगल बैटरी नहीं होती, उसके अंदर दो बैटरी लगी होती है। तो दो बैटरी होने की वजह से उसके अंदर 7.6 वोल्टेज करंट हो जाता है और ये 3.7 वोल्ट की बैटरी 4.2 तक की होती है। डुअल बैटरी में वोल्टेज ज्यादा हो जाता है। ये 5G फोनों में ऐसी बैटरी यूज हो रही है, बाकी 4G फोनों के अंदर ये बैटरी हमारी आ रही है। सबसे पहली बात, पहला फर्स्ट बैटरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है। एक इसमें पॉइंट प्लस होता है, एक पॉइंट इसमें माइनस होता है,
और एक पॉइंट इसमें से बीएसआई का होता है, प्लस माइनस बीएसआई। बीएसआई का पूरा बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, ये आपके बैटरी के परसेंटेज को शो करता है कि बैटरी कितना लेवल का है, और एक प्लस एक माइनस होता है। सभी मोबाइल फोन के अंदर बैटरी थ्री पॉइंट सेवन से लेकर 4.2 का होता है, और बैटरी में लिखा भी होता है 1100 mAh। ये बैटरी को क्षमता को प्रदर्शित करता है, मतलब बैटरी का कैपेसिटी कितना है। ये बैटरी के अंदर वोल्टेज को प्रेजेंट करता है कि बैटरी के अंदर वोल्टेज इतना होना चाहिए, लिमिट है, उस लिमिट को शो करता है। उसके बाद अब जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आ रहे हैं, उन एंड्रॉयड मोबाइल फोन में क्या सिस्टम किया जा रहा है, सेम इसी तरीके से ये बैटरी ऐसी यूज होती है। ये बैटरी दोस्तों हमारी इस तरीके से पत्ते वाली बैटरी होती है। ये बैटरी भी 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट की होती है। बैटरी में लिखा होता है 4600 mAh, इससे ज़्यादा भी होती है। ये बैटरी को वही क्षमता को प्रदर्शित करता है, कैपेसिटी इसको शो करता है। ये बैटरी का तुम्हारा क्या होता है, जैक होता है, जो आपके मोबाइल फोन में कनेक्ट हो जाता है। जैसा ये होता है, सेम इसी तरीके से जो 5G मोबाइल फोन आते हैं, उन 5G मोबाइल फोन के अंदर सेम ऐसा ही बैटरी लगी होती है। सेम जैसे ऐसा दिया हुआ है, बस ऐसे ही बैटरी होती है। बस इसके अंदर क्या होता है, सेल दो हो जाते हैं, एक सेल दूसरा सेल। अच्छा, दो सेल होने की वजह से एक डिफरेंट भी होता है। क्या डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट होता है कि जो तुम्हारा यहाँ पर जो बैटरी दिखाई दे रही है, ये तुम्हारा जो 4600 mAh है, ये 4600 ना हो करके मान लिया 2500 mAh इधर हो गया और 2500 mAh इधर हो गया, 2500-2500 के सेल हो गए। अब टोटल को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5000 mAh हो जाएगा। 3.7 इसको भी चाहिए, 3.7 इसको भी चाहिए। इससे क्या होगा, बैटरी चार्जिंग की कैपेसिटी फास्ट हो जाएगी। दोनों अगर वोल्टेज को एड ऑन कर देते हैं तो ये वोल्टेज 3.7 वोल्टेज ना हो करके ये वोल्टेज जो होते हैं ये 7.6 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 7.6 वोल्टेज एक का मिनिमम चार्जेबल होता है, और 8 वोल्ट तक, 8.1 या 8.0 तक जाता है। अच्छा, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप मल्टीमीटर से इस बैटरी को चेक करेंगे, अगर गलती से अगर आपको 5 वोल्ट 4 वोल्ट दिखाता है तो आप ये मत सोच जा रहे हो बैटरी बहुत ज्यादा चार्ज है, कहीं मोबाइल फोन खराब तो नहीं हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, आप ये भी ना सोचे कि बैटरी आपकी 4 वोल्ट है तो बैटरी चार्ज है। अरे भाई चार्ज नहीं, वो बैटरी तुम्हारी डाउन है, डिस्चार्ज है, उसको बूस्ट करना पड़ेगा, बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। अच्छा, बैटरी पे लिखी भी होती है, इन्फॉर्मेशन बैटरी पे दिया भी होता है। और जो नॉर्मल बैटरी आती है, जो सिंबल सिंगल आती है सेल की, वो 3.7 से लेकर 4.2 होती है, 4600 mAh की कैपेसिटी होती है। और ये बैटरी जो पाई जाती है इसके अंदर 3.7, 4.2, 1100 mAh की छोटे सेल की बैटरी पाई जाती है। तो बैटरी का काम होता है मोबाइल फोन में वोल्टेज को स्टोर करना, जो हमारे बैटरी है वोल्टेज को स्टोर करती है। अब बारी आती है बैटरी को आप चेक कैसे करेंगे, बैटरी को चेक करने का तरीका क्या होता है। कोई भी मोबाइल फोन आता है, इस मोबाइल फोन में जब आप बैटरी की चेक करेंगे तो जहां पर टेस्टिंग की बात आती है, बैटरी को चेक कैसे करेंगे, आप मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट करें। चेक करने पर 3.7 वोल्टेज प्लस दिखाए, तो चार्ज है बैटरी। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट करते हैं, चेक करने पर 3.7 वोल्ट दिखाए तो चार्ज है, फॉल्टी। अब बैटरी के भाई खराबी के बहुत कंडीशन आ जाते हैं,
कई बार ऐसा होता है कि बैटरी चार्ज होने के बावजूद भी हमारे मोबाइल फोन की बैटरी खराब हो जाती है। सबसे पहली बात, बैटरी फॉल्टी होने का सबसे पहला कारण बैटरी चार्ज ना हो। बैटरी को चार्जिंग करोगे तो चार्जिंग नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, बैटरी फूल जाए। तीसरी चीज, बैटरी पिलपिली हो जाए। चौथी चीज, बैकअप न दे। बैकअप का मतलब होता है वो मात्र 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा ही, दो घंटा ही चलती है, बस डाउन हो जाती है। बैकअप नहीं होता। पांचवी चीज, बैटरी से स्मेल आए। अगर आप बैटरी को ऐसे थोड़ा सा सूंघ के देखते हो तो उसमें से स्मेल, बदबू आने लगती है, तो भी हमारी बैटरी खराब है। मैसेज दे। बैटरी खराब हो जाने पर क्या होता है, मैसेज देने लगता है, जैसे एरर, चार्जिंग एरर, या ऐसे टेम्परेचर, बहुत ऐसे मैसेज आने चालू हो जाते हैं। तो भी उस कंडीशन पर बैटरी खराबी होने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो हम बैटरी को अगर दूसरा निकाल कर लगाते हैं, अगर चल जाती है, तो इसका मतलब हमारी बैटरी खराब है। तो ये हमारी ऐसी कंडीशन होती है। उसके बाद लेवल सही सो ना करे। लेवल सही सो ना करने का मतलब होता है, आपने चार्जिंग पे लगाया, बैटरी 10% है, एकदम से कहो 50 हो जाए, एकदम से कहो 70 हो जाए, बैटरी 70-80 पे कहो पूरा दिन चलती रहे, एकदम से 10% टूट-टूट करके एकदम से बंद हो जाता है, मतलब लेवल सही तो शो नहीं करता। या मोबाइल फोन में जैसे कॉलिंग करते हैं, बैटरी एकदम से बंद हो जाता है, या मोबाइल फोन में इंटरनेट यूज करते हैं, आपका सेट रिस्टार्ट मार जाता है, या मोबाइल फोन के अंदर कोई हैवी लोड रखते हैं तो मोबाइल फोन रिस्टार्ट मार जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर भी हमारी बैटरी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो भी हम बैटरी को चेंज कर लेते हैं। बैटरी चेंज करने का मतलब होता है फिर हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है और हम बैटरी को इजीली चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आप बैटरी चेंज करेंगे तो बैटरी को जब मोबाइल फोन से निकाला जाता है तो आप कुछ नुकीली चीज का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारी जो बैटरी यूज करी जाती है ये लिथियम पॉलीमर की बैटरी होती है। पहले जो बैटरी आती थी लिथियम आयन की बैटरी आती, थोड़ी सी हार्ड होती थी, लेकिन अब मोबाइल फोन के अंदर पॉलीमर की बैटरी आ रही है। पॉलीमर की बैटरी, काफी बैटरी अगर आप देखेंगे तो ऐसी लूज होती है। तो लूज होने का मतलब क्या होता है, अगर आप इसमें से कोई नुकीली चीज है, जैसे पेचकस है, चिमटी है, ऐसी चीज अगर आप घुसेड़ोगे, पेन वेन घुसेड़ोगे तो बैटरी के अंदर घुस जाती है। जैसे पक से घुस जाता है तो उसके बाद उसके अंदर की जो लेयर्स होती हैं, वो अंदर का सेल होता है, वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने के बाद उसमें आग लग जाती है, बर्न हो जाती है। एक बार क्लास में ऐसा हुआ था कि बच्चे ने गलती से चिमटी निकाल रहा था, पहले उल्टा लगा रहा था तो चिमटी का ये वाला हिस्सा मोटा था, अब उसने ध्यान नहीं दिया और गलती से ऐसे लगा दी, जैसे लगाया नहीं, बैटरी के अंदर घुसा नहीं तो पूरा ब्लास्ट हो गया, मोबाइल फोन फेंक दिया। मात्र उस मोबाइल फोन के अंदर बैटरी चेंज करने के लिए ही फोन आया था और उसमें बाद में काम वो अम्बो सब पूरा जल गया था, पूरा पिघल गया पूरा, क्योंकि फोन फेंक दिया। आप भी समझते हो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इसमें पानी वानी कुछ भी डालो या कुछ भी ठोको ठाको तो कोई बंद नहीं होता, जब तक करंट पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो बंद नहीं होगा। तो पूरा मोबाइल जल गया था और फिर मोबाइल फोन नहीं बना था, खराब हो गया था, पूरा बेकार हो गया, क्योंकि बोर्ड के कनेक्टर वनेक्टर पिघल गए थे और 6000 mAh की बैटरी थी, शायद टेक्नो का मोबाइल फोन था, तो काफी नुकसान हो गया था। और तो इस तरीके से बैटरी अगर पर ध्यान देना होता है कि ऐसी गलती हम लोग ना करें, तो बैटरी चार्ज ना हो, बैटरी फूल जाए, बैटरी पिलपिली हो जाए, बैकअप ना दे, स्मेल आए, मैसेज आए, तो बैटरी खराब है। अच्छा, बैटरी के अंदर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जितने भी सारे आप लोग टेक्नीशियन है तो मैं बताना चाहता हूँ, बैटरी खराब होने पर कई बार ऐसा होता है कि बैटरी हमारी सही दिखती है लेकिन फिर भी चार्ज नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि बैटरी चल रही है, एकदम से 10%, 20% या उससे ज्यादा चार्ज करो तो चार्ज होने का नाम ही नहीं ले रही है, या बैटरी बहुत स्लो स्लो चार्ज हो रही है, धीरे धीरे चार्ज हो रही है, या बैटरी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि जब मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाओ तब तो मोबाइल फोन चलता रहता है और जैसे चार्जर से हटा दो तो मोबाइल फोन भगदड़ से एकदम से बंद हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर क्या होता है कि हम लोग बैटरी को एक बार देख सकते हैं, लेकिन उस समय पर बैटरी आपकी हार्ड होनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अगर बेहतर और अच्छी कंडीशन की है तो आप बैटरी का क्या करेंगे, पीछे का जो रिबन होता है इस रिबन को खोलेंगे, इस रिबन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पत्ता लगा होता है,
इस पत्ते के अंदर छोटा सा एक रेजिस्टेंस अंदर मोटा सा लगा होता है, ब्लैक कलर का, काफी मोटा होता है। बैटरी के अंदर एक रजिस्टर लगा होता है, काफी मोटा होता है। इस रजिस्टर में क्यू लिखा होता है, आर लिखा होता है, एल के लिखा होता है, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे लिखा होता है, वर्डिंग लिखी होती है। इस साइड के जो पॉइंट्स होते हैं वो सिल्वर होते हैं। ऐसे रजिस्टर को हम लोग पीटीसी रजिस्टर बोलते हैं। और कई बार ये खराब हो जाता है तो इसकी वजह से भी मोबाइल फोन में इस तरीके से बड़ी अनगिनत आड़ी टेढ़ी प्रॉब्लम आती है। कई बार तो हम लोगों के सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जो हमने फेस किया हुआ, देखा हुआ है कि एक रेडमी का ही मोबाइल फोन आया था, उस मोबाइल फोन को जैसे मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते तो मोबाइल फोन चलता था, और चालू होने के बाद वो रिस्टार्ट हो जाता था, फिर बंद हो जाता था, फिर रिस्टार्ट हो जाता था, बंद चालू बंद, ऐसा लग रहा जैसे मोबाइल फोन को सॉफ्टवेयर चला गया। अच्छा, उस मोबाइल फोन को जैसे हम रिकवरी मोड पे ले जाते थे तो मोबाइल फोन रिकवरी मोड पे भी चला जाता था। रिकवरी मोड के बाद मोबाइल फोन एक बार के लिए स्टिल बना रहता था, फिर जैसे सेट को चालू करते थे चालू बंद हो जाता है। तो रेडमी के फोनों में कई बार ऐसा देखा गया है, तो हम लोगों ने उस पर फ्लैशिंग कर दिया, सॉफ्टवेयर कर दिया, सब कुछ कर दिया, फाइल वाइल सब कुछ चल रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास फोन, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर फिर अब लगा नहीं कि बैटरी का भी दिक्कत हो सकता है, तो फिर बैटरी खोला गया। बैटरी खोलने के बाद उसके अंदर पीटीसी रजिस्टर था, हम लोग चलो इसको भी शॉर्ट करके देख लेते हैं, बनेगा तो ठीक है। जैसे उसको शॉर्ट किया, शॉर्ट करते हैं मोबाइल फोन पूरा फर्स्ट क्लास चलने लगा, और जब सॉफ्टवेयर पड़ गया था तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके नया पूरा फीचर आया, पूरा मोबाइल फोन वर्किंग पे बना रहा। तो ये हम आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कि ऐसा कई बार प्रॉब्लम आया है, तो आप लोग भी ऐसा उस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में आड़ी टेढ़ी होती हैं, वो जब आती हैं तभी समझ में आता है, और नहीं तो उसका कुछ राज ही नहीं समझ में आता है। करके देखो, क्योंकि टेक्निकल लाइन में ऐसा होता है कि कुछ करके देखने के बाद ही आपको समझ में आता है। तो ये पीटीसी रजिस्टर होता है, ये हमारा खराब हो जाता है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। इसको हटा देने के बाद हम लोग इसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट मार देते हैं जम्पर वायर के माध्यम से, इसको आपस में शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, और ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इसमें से दिखाना भी चाहता हूँ, ये थोड़ा सा व्हाइट कलर का मोटा सा अगर आप बॉक्स देखेंगे तो ये आपका इसमें से दिखाई दे रहा है ऐसा। और अगर कैमरे पे देखना चाहेंगे तो आप बैटरी को खोल करके देख भी सकते हैं, इजीली दिख जाता है। अगर पत्ते में होगा तो ही दोस्त शॉर्ट कर पाएंगे, बहुत एक आध फोन ऐसे भी आते हैं जिसमें नहीं भी होता है, जिसमें नहीं होता तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, फिर आप बैटरी चेंज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन पर अगर हमारी मोबाइल फोन की अगर बैटरी खराब हो जाती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं और आप रिपेयर कर सकते हैं। और तीन तरीके की बैटरियां मोबाइल फोन के अंदर यूज हो रही है, एक हमारी जो जनरल नॉर्मल बैटरी होती है, दूसरी हमारी ये एंड्रॉयड पत्ते वाली बैटरी होती है, तीसरी बैटरी जो होती है वो हमारी 7.6 वोल्ट जो होती है और डबल बैटरी आती है। अगर बैटरी खराब हो जाती है तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डेड मोबाइल फोन बनने के लिए आता है तो सबसे पहली बात आप उस मोबाइल फोन की बैटरी को ही सबसे पहले चेक करते हैं। अगर बैटरी खराब होने से मोबाइल फोन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग उसको चेक करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी मोबाइल फोन में देखा जाता है कि बैटरी की वजह से मोबाइल फोन एकदम से बंद हो जाता है, हम बैटरी को निकाल दोबारा लगाते हैं, सेट की दोबारा सप्लाई चालू होती है और मोबाइल फोन हमारा चालू हो जाता है। कुछ लोगों के मोबाइल फोन में ऐसा भी होता है कि एंड्रॉयड फोन के अंदर, मैं आपको खास तौर पर बताना चाहता हूँ कि जैसे ये सैमसंग का ही मोबाइल फोन है, कई बार आपके हैंडसेट में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मोबाइल फोन चलते चलते एकदम से चिपक जाता है, चलते चलते रुक जाते हैं। उस कंडीशन पर अगर आप मोबाइल फोन को बंद करना चाहते हो तो बंद भी नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन पर ज्यादातर सैमसंग के मोबाइल फोन में कई बार देखा गया है, सैमसंग छोड़ो बहुत ऐसे फोन आते हैं जिसके अंदर ओलेड स्क्रीन लगी होती है, नॉर्मल स्क्रीन लगा दी जाती है तो थोड़ी देर के लिए टच भी बंद हो जाता है। वो लोग फिर दुकान में भागे भागे जाते हैं और बैटरी निकाल करके दोबारा लगाते हैं और मोबाइल फोन चालू हो जाता है और पूरा सही चलने लगता है, फिर दो तीन दिन बाद दिक्कत आती है। तो आप ऐसी कंडीशन पर कस्टमर को बता दीजिए या आप लोग भी सुन लीजिए कि जैसे आप मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा काम करते हैं तो फोन एक जगह पर चिपक जाता है, तो आप मोबाइल फोन का जो वॉल्यूम डाउन बटन है, ये वाला डाउन बटन, इस डाउन बटन को दबाएंगे और इस बटन को दबाएंगे, इस बटन को काफी देर तक आपको दबा कर रखना है, ऐसे ही देखना, कम से कम 10-20-30-25 सेकंड के लिए इसे दबा के रखना है। जैसे आप दबा के रखेंगे तो दबा के रखने के बाद आपका हैंडसेट क्या हो जाएगा, एक बार के लिए रिबूट मारेगा। क्या मारेगा? रिबूट मारेगा। मेरे फोन का थोड़ा सा वॉल्यूम बटन खराब है तो मैं दोबारा एक बार आपके सामने फिर से ट्राई करता हूं।
थोड़ा सा हार्डली प्रेस करते हैं, ऐसे देखिए, देखिए सेट रिस्टार्ट हुआ। तो ऐसा रिस्टार्ट होने से भी जो बैटरी की थोड़ी समस्या होती है, बैटरी एक बार के लिए रिफ्रेश हो जाती है, पूरी सप्लाई हमारे सेट के रिस्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर जब टच बंद हो जाता है तो दोस्त हमारे मोबाइल फोन के अंदर कोई एक ऐसा बटन नहीं होता जिस बटन को दबाने से आप हैंडसेट को रिस्टार्ट कर सकें। आप मोबाइल फोन को रिस्टार्ट करने के लिए, बैटरी को रिस्टार्ट करने के लिए आप मोबाइल फोन में पावर बटन प्लस माइनस बटन इसको कम से कम 10 सेकंड से ऊपर होल्ड करके रखिए, होल्ड करिए, सेट रिस्टार्ट सभी फोन में होता है, आप चाहे तो आप भी अपने मोबाइल फोन में ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बैटरी के अंदर, जो प्रॉब्लम को जनरली हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो दोस्त आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा है कि मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे चेक करते हैं, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, और बैटरी को मल्टीमीटर से कैसे टेस्टिंग करी जाती है, इस टॉपिक के ऊपर मैंने बात किया हुआ है। तो दोस्तों ये टॉपिक के माध्यम से आप बैटरी को अच्छे से समझ सकते हैं। और अच्छा, जो भी सारा चीज मैं आपको बताता हूँ आप कॉपी में आप इसको अच्छे से नोट करिए। अगर आप अच्छे से नोट करेंगे तो मोबाइल फोन रिपेयरिंग जो बेसिक चेकिंग का कॉन्सेप्ट है जो मैं लेकर के आया हूँ, इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं और मोबाइल फोन में काफी कुछ सीख सकते हैं। और अगर इसी तरीके से अगर आप एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक कंप्लीट आप मोबाइल फोन के बारे में सीखना चाहते हैं, तो दोस्त आप इनको वीडियो को देखें, सीखें। और दोस्त मैं आगे चल करके मैं आपको इन फ्यूचर में आईसीयू के ऊपर एक फिर मैं सीरीज लेकर के आने वाला हूँ, कि मैं दोस्त आईसीयू के रिबॉलिंग के लिए जितने भी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रिबॉलिंग से संबंधित जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसके ऊपर कम से कम 25 से 30 टॉपिक के ऊपर वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ, जो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगा, आप लोगों को भी सिखाऊंगा, ताकि आप उन सब चीजों को देख करके समझ सके और मोबाइल फोन की रिपेयरिंग दुनिया में एक बेहतर आयाम को जनरेट कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग में कितना डीप लेवल तक काम होता है और कितने लेवल तक काम किया जाता है। तो ये सारी जो वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ ये आपके ट्रेनिंग के पर्पज पे ही वीडियो है, और इस वीडियो के माध्यम से जो स्टूडेंट लोग सीख रहे हैं अगर उनको समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और मैसेज कमेंट जरूर करें। और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, अगर कब से बैच ज्वाइन करना है, बैच सिलेक्शन के लिए हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं और मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पर जो कोर्स सिखाते हैं वो 3 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने के अंदर सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका सिखाते हैं, जिसमें पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरा चिप लेवल है, MMC प्रोग्रामिंग है, सिमेटिक है, डायग्राम है, सर्किट रीडिंग है, मदरबोर्ड में आने वाले सारे फॉल्ट्स के बारे में, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे फॉल्ट्स के बारे में, सभी चीजों के बारे में हम आपको सिखाते हैं। आप चाहे तो आकर के इस चीज को सीख सकते हैं। लोगों को 90 दिन का समय लगता है, जो बच्चे यहाँ रह करके सीखते हैं फुल डे क्लास करते हैं तो उनका कोर्स 45 दिन में पूरा हो जाता है, क्योंकि वो 8 घंटे क्लास करते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से सिखाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, और 45 दिन के बाद भी अगर थोड़ा बहुत समय लगता है तो दोस्त पूरा कंप्लीट सिखा के ही भेजा जाता है। इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख करके जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नए वीडियो मिलेंगे। देखो दोस्तों, हम अगर आपको मेहनत करके इतना वीडियो देते हैं, इतना सारा परेशानी बीमारी सब कुछ झेलते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम आपको सिखाते हैं तो आप भी दोस्त उसको अच्छे से सीखिए, और अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत आती है तो आप हमको मैसेज करिए, शेयर करिए, और हमारी वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। हमारी वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अपने स्टोरी स्टेटस पर भी लगाएं, ताकि आप जब इन सब चीज़ों को करेंगे, जुड़ेंगे, तो आपको और भी नया नया वीडियो आपको मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली 10-12-15-20 वीडियो ऐसा मिलता रहेगा, ये छोटी छोटी शॉर्ट रील आपको मिलती रहेगी, या बच्चों के माध्यम से जो मोबाइल फोन बनाए जाते हैं उस मोबाइल फोन को बनाने तरीके के टेक्निक्स आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप दिन भर देखते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो भाई क्या मिलेगा। तो इसलिए आप इन सब चीजों को जुड़ें। आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।